बच्चों अब हम करेंगे अपना टॉपिक नंबर फोर्थ, जिसके अंदर हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम क्या है, जो हमने पीछे टॉपिक किया था अभी डिवीजन ऑफ ए पॉलीनोमियल बाय ए पॉलीनोमियल, तो ये उसी से रिलेटेड है। हमने उसमें चीज क्या देखी थी, हमने क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने कि अगर आपके पास 18 डिवाइडेड बाई 2 है और अगर 2 18 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे जैसे कि 9, तो यहां पे हम क्या कहते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या था मेरे पास, 0। ओके, तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई 2 क्या है, एक फैक्टर है किसका, 18 का, यही कहेंगे ना। तो वही चीज को हम फॉलो करते हैं, हमने डिवीजन मेथड किया और काफी लंबे प्रोसेस के बाद हमने क्या देखा, रिमाइंडर, कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा तो हमने क्या कहा वो उसका फैक्टर है, नहीं आया तो हमने क्या कहा कि भाई उसका फैक्टर नहीं है, यही कॉन्सेप्ट था। तो रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि भाई हमें जब अगर रिमाइंडर ही देखना है, भाई रिमाइंडर देख के ही बताना है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं, तो इतना बड़ा डिवीजन मेथड करने की क्या जरूरत है, हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स हैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम में, उसको लगाओ और रिमाइंडर निकाल लो। रिमाइंडर अगर आपका 0 आए तो कह देना फैक्टर है, नहीं आए तो कह देना नहीं है, बस ठीक है। तो वो सिंपल क्या कह रहा है, डिवीजन मेथड इतना बड़ा फॉलो कर रहे हो उसकी जगह आप हमें फॉलो करो, ठीक है। हमने कहा अच्छी बात है आपको फॉलो कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम क्या होती है। एग्जांपल लूंगा देन उसको उसमें यूज करके बताऊंगा कि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम क्या होती है। एक एक लाइन की चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। देखिए आपकी बुक का एग्जाम्पल उठा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मेरे लिए भी आसान हो जाए आगे। तो आपके पास है कि रिमाइंडर निकालना है आपको, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपके पास x की पावर 4 प्लस में x की पावर 3 प्लस में माइनस 2x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस में x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 डिवाइडेड बाय इज x बाय सॉरी x माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है, वो कह रहे हैं बताओ ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, यही बताना हमें। या हम क्या कहें कि एक सेंस में हम क्या कहें कि क्या ये मल्टीपल बन सकता है इसका, यानी इसके टेबल में आगे मल्टीप्लाई करते जाए तो ये आएगा नहीं आएगा, तो वही की बात है। आ जाओ अब हमें क्या कहना है, रिमाइंडर थ्योरम। पहले हम पकड़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि भाई सबसे पहले जो हमारे पास नीचे है क्या, x माइनस 1 यानी जो डिवाइजर है उसको पकड़ लो, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक क्या है डिवाइजर हो गया ना इसका, तो उसको कह रहा है इसको पकड़ो आप, ठीक है जी। इसको लिख लिया मैंने x माइनस 1 लिख लिया, कहता है इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, डिवाइजर को लो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, कर दिया जी। अब कहता है आंसर निकालो x का, x की वैल्यू 1 आ गई, कह रहा बस ये इसकी रिमाइंडर थ्योरम है, कह रहा आपको मैंने x की वैल्यू निकाल के दे दी 1। अब आती है बारी, ये इतनी ही रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। अब बारी आती है फैक्टर थ्योरम की, इसके बाद फैक्टर थ्योरम का रोल आता है। वो क्या कहता है, पहले फैक्टर थ्योरम लिख दूं, देखो हाँ जी, फैक्टर थ्योरम कहते हैं जो आपके पास x की वैल्यू 1 आई है ना उसको आप इस पॉलीनोमियल के अंदर डाल दो और उसको सॉल्व करो, अगर फैक्ट जो आपके पास आंसर जो भी आएगा वो उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जैसे मैं करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। फैक्टर थ्योरम ने क्या कहा, आपके पास क्या पॉलीनोमियल है, यहाँ पे बच्चों आपके पास है पी एक्स, जिसको पी एक्स मान लो, क्या है आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स की पावर क्यूब एंड 2x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। ओके, यही है। वो क्या कह रहा है कि आपके पास रिमाइंडर थ्योरम से जो x की वैल्यू आई है उसको यहाँ पे डालो एक बार। पहले चलो मैंने 1 ले ली थी, 1 आई थी, तो 1 की पावर 4 प्लस में 1 की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 की पावर 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1, यही है ना मेरे पास, इसको सॉल्व करो, कह रहा है पहले 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 3 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, यही आएगा। तो ये माइनस 2 से तो ये कट जाएंगे, तो बचा क्या 2। ये 2 क्या है बच्चों, फैक्टर थ्योरम कहते हैं ये 2 आपका रिमाइंडर है, ये 2 क्या है बच्चों, रिमाइंडर है। अगर ये रिमाइंडर है तो मतलब क्या हुआ,
हमें इतना बड़ा डिवीजन करने की जरूरत नहीं थी। तो कहता अगर ये रिमाइंडर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका फैक्टर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। x माइनस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऊपर वाले हमारे पास पॉलिनोमियल का। तो इस तरीके से कह रहे कि आप इसको सॉल्व कर लो, पहले रिमाइंडर थ्योरम लो, तो जो आपके पास डिवाइजर है उसको इक्वल टू जीरो करो, इक्वल टू जीरो करने के बाद वैल्यू x की आ जाएगी। फिर फैक्टर थ्योरम कहती है कि आप जो वैल्यू आई है उसको ऊपर वाले से, ठीक है, जो हमारे पास क्या होता है ये डिविडेंड, इसको पकड़ो, इसके अंदर वैल्यू डाल दो, इसके अंदर वैल्यू डालने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका फैक्टर है। फैक्टर जीरो आए तो मतलब ये इसका क्या हो गया, सॉरी ये इसका रिमाइंडर है। अगर ये जीरो आ गया रिमाइंडर तो आप क्या कहोगे कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर कुछ और आता है तो आप क्या कहोगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास थी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। एक एग्जांपल और कराऊंगा ताकि इसको अच्छे से समझ सके। और आ जाइए, तो जो ये हमने किया था ये था एग्जांपल नंबर 9। ओके, अब हम एग्जांपल नंबर 10 करते, आ जाइए हमारे पास है एग्जांपल नंबर 10। ये सिंपल तरीका है, थोड़ा सा जल्दी आंसर निकल गया क्योंकि जस्ट फैक्ट्री तो पता करना है, हम फैक्टर नहीं निकाल रहे, हम ये पता करें फैक्टर है या नहीं है, बस इस चीज में फर्क समझो। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन, जैसे कि ये कह रहा है क्यू टी आपके पास विच इज इक्वल टू 4t³ प्लस में 4t² माइनस में t माइनस में 1। ओके, ये कह रहा है कि इज अ चेक करना कि क्या जो हमारे पास उन्होंने देखा कि इज अ मल्टीपल ऑफ टू टी प्लस 1। ओके, चलिए अब यहां पे हम आपसे बोला गया मल्टीपल, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला हुआ है उसने कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं। तो एक चीज बताओ, जब हमने 18/2 लिया था मैंने क्या कहा था कि क्या 2 इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि क्या 18 2 का मल्टीपल है या नहीं। तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे जो उसके टेबल में आएंगे, 2 × 2 × 2 × 4 ऐसे करके जो जो आंसर आएंगे, तो वही चीज आ गई ना, घुमा फिरा के पूछ रहा बस आपसे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि बोलो तो यहां तो फैक्टर निकाले थे, ये मल्टीपल पूछ रहा है। तो बच्चों वो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, हम तो नीचे वाले की बात कर रहे थे फैक्टर के लिए, अब ऊपर वाला तो मल्टीपल ही कहलाएगा उसके लिए। चलिए अब हमें क्या करना है, ये चीज लगानी है, रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले आ जाइए, हमारे पास आएगी रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बच्चों, कि जो आपके पास डिवाइजर है ठीक है, उसको पकड़ो और उसको जीरो के इक्वल रख दो। पहला स्टेप यही करेंगे, डिवाइजर को पकड़ो और जीरो के इक्वल कर दो। तो हमारे पास क्या है, 2t + 1 विच इज इक्वल टू 0। अब निकालो 2t = -1, 1 उधर चला जाएगा, t क्या बच जाएगा बच्चों, अब -1/2। तो ये रिमाइंडर थ्योरम यहीं पे खत्म हो गई। ठीक है जी, अब चलो आगे करते हैं। अब आती है बारी किसकी, हमारे पास फैक्टर थ्योरम लगाने की। फैक्टर थ्योरम क्या निकाल के देगी हमें लास्ट में, रिमाइंडर। तो फैक्टर थ्योरम देखो, नाम थोड़ा सा उल्टा नहीं है, रिमाइंडर तो कुछ और निकाल के दे रही है, फैक्टर हमें रिमाइंडर निकाल के दे रही है। चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। फैक्टर थ्योरम में क्या करना है, जो मेरे पास अब टी की वैल्यू आई है वो मुझे किस में पुट कर देनी है, क्यू टी में। तो हम क्या करेंगे कि क्यू टी ले लिया, क्यू के अंदर क्या डालना है मुझे, टी की जगह -1/2, ये करना है। तो बच्चों क्या है, 4t³ × -1/2³। थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि फ्रैक्शन में भी माइनस में भी है। देन बच्चों क्या है, ये 4t² ठीक है, यानी -1/2² यही होगा। आगे चलो, फिर क्या है, माइनस टी, तो भाई टी की वैल्यू क्या है, -1/2। ओके, देन क्या बच्चों, -1। ओके, एक सेकंड दे दीजिए, वीडियो सही आ रही है देख लूं मैं आपके लिए, ये बार बार चेक करना पड़ जाता है कई बार मुझे। चलिए हो गया, अब इसको सोल्व करें। चलो ये 4 ऐसे का ऐसा, अब देखो यहाँ पे माइनस साइन और ऊपर क्यूब, मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का साइन, तो आंसर क्या देगा, नेगेटिव में ही देगा। ठीक है, नीचे क्या है, 2 × 2 × 2 यानी 1/8 माइनस में, ठीक है, -1/8 ऐसे आएगा, करके देख लेना चाहे। प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
तो माइनस वन बाई टू दो बार होगा तो आंसर पॉजिटिव देगा, एंड वन बाई टू मल्टीप्लाई होंगे तो वन बाई फोर, ओके वन बाय फोर आ गया। देन क्या है बच्चों, ये माइनस अंदर साइन जाएगा तो अंदर वाले का साइन चेंज कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया उसने, वन बाई टू देन माइनस वन, ओके। अब उसको गाड़ी को ऊपर ले जाऊं मैं, चलो गाड़ी ऊपर ले जाते हैं अपनी। देखो ये क्या हो जाएगा, पहले यहीं पे जो कटता है काट देते हैं, ये हमारा कट जाएगा वन पे, ये कटेगा टू पे, ओके ये कटेगा वन पे, ये कटेगा टू पे, सॉरी ये भी वन पे कटेगा, टू पे नहीं कटेगा, ठीक है। चलो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉइंट टू, लिखो इसको माइनस वन अपॉइंट टू, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वन रहेगा ये भी वन रहेगा तो प्लस वन, देन क्या है बच्चों प्लस वन अपॉइंट टू, और आखिरी में क्या है बच्चों माइनस वन, ठीक है। ये सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, एक एलसीएम ले लो, बस सिंपल सी चीज। ये क्या हो जाएगा माइनस वन, ये क्या हो जाएगा बच्चों टू, प्लस टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। एंड इसके नीचे वन है तो ये क्या करेंगे, ये टू हो जाएगा फिर, ठीक है। ये एलसीएम आप लेके अच्छे से कर लीजिए, इस वन से ये कटा, इससे ये कटा, क्या बचा आपके पास जीरो, ठीक है। आपके पास क्या आया बच्चों, रिमाइंडर जीरो। तो इसने हमें क्या बताया, रिमाइंडर जीरो है, मतलब यहां पे आप क्या कहोगे कि जो आपके पास था क्वेश्चन, यस टू टी प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ, या आप ये कह लो कि ये इसका मल्टीपल है, ऐसे जैसे मर्जी लिख लो आप, इज अ फैक्टर ऑफ 4t क्यूब प्लस में 4t स्क्वायर माइनस में t माइनस में 1। एक सेकंड दे दीजिए, आपके आंसर को भी मैं वेरीफाई कर लूँ बुक में। जीरो आया जी, बिल्कुल जीरो आया, तो हम इसको कहेंगे कि हाँ ये रिमाइंडर जीरो दे रहा है, तो ये इसका मल्टीपल है या ये इसका क्या है फैक्टर, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम क्या होती है। अब आप अपनी एक्सरसाइज जो आपके पास है, बिल्कुल जो भी आपके पास एक्सरसाइज है उसको बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है 2.3, तीन से चार क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर लोगे। बात आती है, अगला टॉपिक हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन करने, अब उसके फैक्टर्स निकालने हैं। अभी तो हमसे पूछा जा रहा था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, है या नहीं है, तो हमने रिमाइंडर निकाल के देखा, बट हमें अब सिर्फ एक एक्सप्रेशन दी जाएगी, मान लो उसको फैक्टराइज करना हो, ये जो कुछ और भी जो कॉन्सेप्ट होगा वो देखेंगे हम, ठीक है। फैक्टराइजेशन देखते हैं कैसे होती है। चलिए कोई भी डाउट आ रहा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं अपने टॉपिक रेडी करता हूँ पानी वानी पी के। चलिए